Dear students, we have to discuss the first question of exercise number 1. Question is, describe the term amorphous. Give a few examples of amorphous solid. दोस्तों amorphous solid के examples आपको पता है, plastic है, glass है, natural rubber है, they are the example of amorphous solid. Amorphous solid के characteristic क्या होता है दोस्तों? तो उसके अंदर जो particular arrangement होता है, वो short range का होता है, long range का होता नहीं है. बराबर. तो amorphous solid का definition इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको. Those solid in which the constituent particles may have a short range order but do not have a long range order. The another characteristic, irregular shapes, and they are isotropic. Do not undergo clean cleavage. मतलब उसको हम पूरा काट सकते नहीं. अगर काटेंगे तो क्या होगा? आपने देखा होगा कि ग्लास है, प्लास्टिक है, अगर कट जाएगा तो उसकी सरफेस रफ हो जाएगी. तो अगर उसके ऊपर अपना हाथ वाथ कुछ लग जाएगा तो वहां से ब्लडिंग होने के चांसेस है. डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट और डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. द एग्जांपल्स आर ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक. तो दोस्तों ये जो वर्ड्स है वो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पूछते हैं. और ये जो बात है उसकी ऑपोजिट बात क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए होती है. क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज तक पूरा उसका क्या होता है, कंस्टिट्यूट पार्टिकल का अरेंजमेंट क्लियर होता है, उसका शेप रेगुलर होता है, दे आर एनिसोट्रोपिक होते हैं, अंडरगो क्लीन क्लेवेज होता है उसमें, एंड दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. मतलब एमोर्फस सॉलिड से पूरा ऑपोजिट जाएंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो जाएगा. तो दोस्तों दोनों बात हमने कर दी, याद रखने का. थैंक यू वेरी मच.